मैं इससे पहले भी किसी कंपनी में काम कर रहा था, नाम मेरा गुरचरण सिंह है और सीनियर क्राउन डायमंड जो हो चुका है आप सब लोगों को पता ही है। इससे पहले भी मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था, 18,000 लोगों की टीम थी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट्स की और प्लान की नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे आज से 3.5 साल पहले जीरो से शुरू किया, पूरी टीम को, यहाँ की पूरी टीम को छोड़कर, फिर मैंने जीरो से शुरू किया और आज भगवान की कृपा से, और सीनियर अपलाइन सी राजीव जी, सीमा जी, भरत गर्ग जी, इन सब के गाइडेंस से जो अचीवमेंट मिली है उससे मैं बहुत खुश हूँ। और जाहिर सी बात है, ये भी मेरे सीनियर हैं, इनके भी उम्मीदें जो थी वो पूरी हुई हैं। और दोस्तों मैं तो बहुत इमोशनल हूँ और बहुत ड्रीमर हूँ, और इसी वजह से मैं इस कंपनी में आया, और ड्रीम था तो ड्रीम की बात आगे करेंगे। जब इस सिस्टम में 3.5 साल पहले मैं आया, और एकदम बिल्कुल, जब किसी भी हम पुराने सिस्टम को छोड़ते हैं, पुरानी कंपनी को छोड़ते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो काम हो जाता है, और वहां से जीरो होकर दोबारा शुरू करना बहुत कठिन होता है। लेकिन लीडर वही होते हैं जो मौके पे समय देखकर डिसीजन ले लें और उस डिसीजन पे अटल रहें। और जो सपना मैंने देखा था कि अगर मैंने दीपक जी से, राजीव, सीमा जी से बात की, और इन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में अभी तक 6.5 साल से पहले कोई क्राउन एम्बेसडर नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, विजय जी से बात हुई, मैंने कहा अगर 5 साल में हो जाए तो, कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फास्ट फास्ट हो जाएंगे आप। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, शुरू किया उस दौरान, और लॉकडाउन भी हुआ, कोरोना काल भी आया, लगभग 1 साल तो हम फ्री रहे, कोई काम नहीं हो पाया ज़्यादा। लेकिन फिर भी अपलाइन की गाइडलाइन से और सिस्टम की वजह से, और जो RVC चैनल है इसकी हमें बहुत सपोर्ट रही, इसकी वजह से हमने जो काम किया, अभी सीनियर क्राउन डायमंड है, और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हम क्राउन एम्बेसडर का जो लेवल है, जो हर इंसान का सपना है, उसको अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों लोग तो हमारे साथ भी हैं और हमारे से दूर भी हैं। सिस्टम जो है, सिस्टम है लोगों का, सिस्टम है हमारे सपने का, सिस्टम है और लोगों को जोड़ने का, सिस्टम है सिस्टम में जोड़ने का, सिस्टम है। अगर हम उन लोगों को, जो लोग आज 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 बेरोजगार हैं, बेरोजगार मैं कहता हूँ, बेरोजगार हर इंसान है जिसके मन के सपने पूरे नहीं हुए वो बेरोजगार है। जैसे मान लीजिए सपने हैं मर्सिडीज कार के, और ले रहा है कोई मारुति कार 800 या जेन ले रहा है, तो उसका सपना अभी अधूरा है, वो भी बेरोजगार है। कहने का भाव ये है, इनकम कम है और सपने ज्यादा हैं तो मान लीजिए वो बेरोजगार है। आज हर इंसान को किसी ना किसी अच्छे सिस्टम की जरूरत है, वो हमारी मर्जी है हम कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचा देते हैं। अगर हम जल्दी से जल्दी अपना सिस्टम लोगों तक पहुंचाने के लिए कामयाब हो जाते हैं, तो हम अपने तो सपने पूरे करेंगे, लोगों के भी दोस्तों सपने पूरे करेंगे। और सपने की बात जो कर रहे हैं, मैं जाता हूं पहले, मैं जो सोचता हूं, सपना है क्या, ऐसा क्या, हर जगह सपने की बात होती है, सपना होता क्या है? आज वर्तमान में, आज के समय, सपने की डेफिनेशन मेरे को लगता है मैं दे पाऊंगा अगर आपको अच्छी लगे तो। आज वर्तमान में फ्यूचर के बारे में सोचना और उस चीज को पाने की या उस चीज को कर जाने की चाहत को, जो चीज असंभव सी लग रही है, असंभव कुछ नहीं होता, असंभव सी लग रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए उसको हम सपना कहते हैं। और अगर वो सपना आपके अंदर है तो आप इस सिस्टम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये सिस्टम इतना जबरदस्त है, आप खुद के सपने के लिए काम करोगे और लाखों लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है। लोग सेवा करते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, बोलते हैं लोगों का भला कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर लोगों को कमाई करने का कोई अच्छा साधन हम दे दें, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। आज लोग घरों में डिप्रेशन के मारे पड़े हैं, और हमारे पास डीएक्शन में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोगों को हेल्थ देते हैं, और वेल्थ के जो सपने हैं वो सारे हम पूरे करवाने की कोशिश करते हैं, और लोगों को सपने पूरे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है करो करो शाबाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, होते देखे गए हैं, सबके हो रहे हैं। अगर 20 सालों से इंडिया में लोगों के इतने बड़े बड़े सपने, जो बेचारे लोग अंगूठा छाप थे, जिनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं था, वो इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और उनकी वो अचीवमेंट है, मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को। ऐसा सपना अगर हमारे अंदर हो, जो सपना हमें नींद ना आने दे, जब हम सपने के बारे में सोचते हैं, हम कितना सोचते हैं, हमारे पास मान लीजिए 10 लाख है, हम इंसान क्या सोचता है 15 लाख हो जाए, तो सोच ही नहीं पाता 1 करोड़ हो जाए, सोच ही नहीं पाता।
इतना बड़ा सोचो, अपने आप को खुद को डर लगे यार, ये ऐसा जितना बड़ा सोच सकते उतना बड़ा मिल जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता रहता हूँ अक्सर, आप आज 2022 में बैठे हैं, 2010 में किसी ने, कौन है जिसने ये सोचा था 2022 में ये सब कुछ हमारे पास हो, सोच ही नहीं पाता। कोई कोई लोग होते हैं डॉक्टर लिम जैसे, जिन्हों का विजन क्लियर था और पूरे वर्ल्ड में छा गए, हम लोग सोच ही नहीं पाते। और हमने जितना मांगा भगवान से कम ही मांगा, जबकि भगवान उससे ज्यादा देने के लिए रेडी था, भगवान ने हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ था। इतना मांगो मिलते ही, सोचते ही, और मन में ऐसा ख्याल हो जाए कि यार वाकई अगर ये मिल जाए तो क्या आपको पसीने आ जाने चाहिए, इतना बड़ा सोचो। बस सोचने में जितना जोर लगता है दोस्तों, उतना काम करने में, उतना अचीवमेंट में नहीं लगता। बड़ा सोचिए और एक ड्रीम की लिस्ट बनाइए और इतना बड़ा सोचो, रात को जब भी आंख खुले घर से बाहर निकल के देखे दिन चढ़ गया या नहीं चढ़ गया। टाइम ना देखे बंदा, घर से बाहर निकल के देखे, रोशनी होगी, दिन चढ़ गया, चलो निकलो लोगों के पास। ऐसी अगर मन में आग है तो आपको ड्रीम पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरा कोई ड्रीम ही नहीं है। अरे ड्रीम नहीं है फिर जंगल में रहो, ऐसा कैसे हो सकता है ड्रीम नहीं है? हम लोग क्या है, हम लोग सामाजिक हैं, इंसान को भगवान ने सामाजिक बनाया है, हम सोशल हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों की हमारे साथ जिंदगी जुड़ी हुई है। जो इंसान ये कहता है मेरा कोई सपना नहीं है, मैं उसको एक सलाह देना चाहता हूँ, उसको बोलो भाई ऐसे करो, अपनी फैमिली को एक गाड़ी में बैठाओ और अच्छे से गाड़ियों के, जैसे टोयोटा कंपनी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऐसी एक एजेंसी में घुमाकर लेकर आओ, एक दो एजेंसी में घुमाकर लेकर आओ, बच्चों को गाड़ी में बिठाओ, एक टेस्ट ड्राइव दिखाओ, और अपनी फैमिली से, बहन से, माता पिता से पूछो अगर ये गाड़ी हो जाए तो, फिर पता चलेगा आपको सपने कितने हैं। और जब हम घर जाते हैं, हमारी पूरी फैमिली ये देखती है हमारे चेहरे को, आज कोई खुशखबरी लेके आएगा। और हम लोग कई बार कह देते हैं मेरा कोई सपना नहीं है, ये अपने आप के साथ धोखा है दोस्तों। सपना हर इंसान का है, ऐसा बोल के आपका काम नहीं चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, और कर करके ही काम हम जी सकते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। आप देख लो हालात क्या हो गए हैं, हर 20 साल के बाद एक जीरो लगती है, ये एग्जाम्पल सारी दुनिया ने देख लिया है। चलो फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ, 1940 में 10 रुपए से गुजारा होता था और 1960 में 100 रुपया लगने लग गया। 1980 जो हम लोगों ने देखा है उसमें 1,000 रुपये महीने से गुजारा चलता था, और सन 2000 में 10,000 रुपये महीने से गुजारा चलना मुश्किल हो गया। सन 2000 तक लोगों की जरूरतें तीन ही थी, कुल्ली गुल्ली और जुल्ली, क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, तीन जरूरतें थी। तब तो तीन जरूरतों काम चल रहा था, लेकिन ये जो हमारा जो पिछले 25-30 साल निकले हैं, इतना चेंज हुआ है। जब रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत थी, साथ में पढ़ाई और दवाई की जरूरत पड़ गई। आज कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें पढ़ाई और दवाई के बिना काम चले। अगर कोई फैमिली पढ़ाई और दवाई के बिना काम चला रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आज समय नहीं है, आज पढ़ाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। 50 साल के हो गए हैं तब भी हमें पढ़ना पड़ेगा, 60 साल के हो गए तब भी पढ़ना पड़ेगा, भले ही ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, कहीं ना कहीं से स्टडी लेनी पड़ेगी अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अगर यहीं पे हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो अलग बात है। तो इसके साथ जब जरूरत 3 से 5 हुई, ऐसे ही जरूरतें बढ़ती बढ़ती 5 से 7 होगी, मोबाइल और ऑटोमोबाइल साथ में जुड़ा, मोबाइल और ऑटोमोबाइल ऐसा जुड़ा, पहली जो 5 जरूरतें थी वो जरूरतें थी, ये ड्रीम है, और ये ड्रीम ऐसा है ये जरूरतों से पहले चाहिए। जरूरतों को बंदा कहता है पीछे छोड़ो, मोबाइल, अपनी फैमिली को, बच्चों को, आप खुद जाके एप्पल के स्टोर पे फोन देखो, आईपैड देखो और मैकबुक देखो, आपका मन क्या कहता है, लेने को दिल करता है या नहीं करता? अगर दिल करता है तो आपका ड्रीम है दोस्तों। इस ड्रीम के पीछे अगर हम लग जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन हमें बहुत सारी आशीष देगी और हमारा नाम याद रखेगी, अदरवाइज हम तीसरी जनरेशन के लोगों को भूल जाते हैं। हमारे परदादे का नाम क्या था, हम बहुत सारे लोगों को, 99% लोगों को पता नहीं है। कारण उसका वही है, जो हम गलती कर रहे हैं हो सकता है उन्होंने की, उन्होंने इतना कुछ नहीं बनाया जो हम भी बनाने से टल रहे हैं। तो हमने एक ऐसी चीज छोड़ के जानी है कि हमारी जनरेशन तो जनरेशन याद रखे कि इन्होंने कोई काम किया था। दोस्तों एक बार की बात है, एक चूहे के पीछे खरगोश लग गया, जब खरगोश पीछे भागा, चूहा आगे आगे और खरगोश पीछे पीछे, चूहा आगे आगे खरगोश पीछे पीछे, चूहा एक बिल में घुस गया, चूहा एक बिल में घुस गया। अब खरगोश उस बिल में घुस नहीं सकता था। खरगोश ने बोला भाई एक बात बता, मैं तेरे से बड़ा हूँ, तकड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको पकड़ क्यों नहीं पाया, मैं पकड़ क्यों नहीं पाया? तो चूहा कहता है भैया आप अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी जान बचाने के लिए, मैं अपने जीवन के लिए भाग रहा था। तो ये बात समझने की, जब हम अपना जीवन और अपनी फैमिली का जीवन बनाने के लिए भागेंगे तो हम डेफिनेटली अचीवमेंट लेंगे दोस्तों, लेंगे ही लेंगे। और इस अचीवमेंट के लिए अगर हमने समय लगा दिया, कई बार क्या होता है हम कैलकुलेट कर लेते हैं 20 साल में हम ये अचीवमेंट ले लेंगे, 25 साल में हम ये अचीवमेंट ले लेंगे। अरे भाई 20 साल का जो काम है
उसको 5 साल में क्यों नहीं कर देते? अगर आप अकेले काम करते हो सकता है उस आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए 20 साल लगते, लेकिन अगर आपके साथ टीम है तो 20 साल कैसे लगेंगे? अगर आपके साथ 10 लोगों की टीम है थोड़ा और कम टाइम लगेगा, 100 लोगों की टीम है और कम टाइम लगेगा, 1000 लोगों की टीम बना डालो और घर घर डीएक्शन को पहुंचा डालो, हर बंदे के सपने को जगाओ, हर बंदे को बीमारी से बाहर निकालो, आपके वो बंदा बीमारी से निकलेगा, हर लोग जो आप जिसको भी जोड़ेंगे वो अपने सपने के लिए काम करेगा, लेकिन उसके बीच में आपका सपना छुआ हुआ है, आपका भी सपना उससे पूरा होगा। दोस्तों जो लग्जरी चीजें हैं, लग्जरी होटल है, अभी मैं मुक्तसर साहब में आया था मीटिंग करने के लिए, अभी इसी होटल में मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये हमारे लिए किसके लिए है? ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये सब हमारे लिए है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों अपने सपने को लेकर घर से निकलते हैं और हमें ऐसे मजाक करने वाले लोग मिलते हैं, हमारे को डीमोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, और वो लोगों से डर के मारे हम अपने घर में घुस जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है उन लोगों से हम दूर को निकलते हैं, जैसे अच्छे लोग कीचड़ से डरते हैं, अच्छे लोग कीचड़ से दूर को निकलते हैं और कीचड़ ये सोचता है कि लोग मेरे से डरते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन दोस्तों हमने कीचड़ से दूर रहना है, लोग भले कुछ भी सोचे, अच्छे लोगों की संगत में हमने रहना है, अपनी अपलाइन के एक्टिव अपलाइन के साथ में रहना है, और हमने अपने लेवल को जो लेवल है, जो ड्रीम है, जो घर की जरूरतें हैं सबको पूरा करना है, उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे और सिस्टम के साथ जुड़ के हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अब एक बंदा निकलता है घर से काम करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमें 10 साल हो गए काम करते, कोई कहता है हमें 5 साल हो गए, कोई कहता है हमें 20 साल हो गए अभी अचीवमेंट नहीं मिली। फर्क क्या है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में, फर्क क्या है? एक तो बात यही है, जिन लोगों को लोग रोक लेते हैं, मजाक करते हैं, वो लोग रुक जाते हैं, लेकिन दोस्तों मजाक करने वाले लोग आपको एक दिन सलूट करेंगे। आप मन से पूरे लग जाइए, डट जाइए, जो लोग आपको मजाक करते हैं उनको काम करके दिखाइए। अगर आप उनको काम करके दिखाओगे, निकलोगे तो काम हो जाएगा। दुनिया आप जैसी बहुत है, हम और आप अकेले पागल नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे ड्रीमर लोग, पागल लोग हैं दुनिया में, हमने अपने जैसे लोगों को ढूंढना है। लोग तो वेट कर रहे हैं, हमने उनके पास जाना है, तो अगर हम जाने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को बताते हैं, उन लोगों के से जुड़ के हम एक काफिला बना के सारे संसार को दवाइयों से बीमारियों से मुक्त कर देंगे, और पूरे संसार को हम बहुत बढ़िया वाला रोजगार, जैसे सारे सपने पूरे होते हैं वो देके रहेंगे। और दोस्तों इसके लिए हम करना क्या, हमने एक सिस्टम बना बनाया सिस्टम है, आरबीसी सिस्टम है, इसके अलावा कंपनी का यूट्यूब चैनल है, सारा दिन यूट्यूब पे मीटिंग चल रही है। मुझे याद है 10 साल पहले व्हाइट बोर्ड उठाते थे, किसी के घर में जाके मीटिंग करते थे, हॉल बुक करवाते थे, आज सारे लोग आपके साथ 24 घंटे कनेक्टेड हैं। आपने लिंक भेजना है, बात करनी है, पहले भी यही होता था, लोगों को 100 लोगों को बुलाओ, 10 लोग मीटिंग में आते थे, अब भी 100 लोगों को जूम का मीटिंग भेजोगे, लिंक भेजोगे तो 10 लोग ही आएंगे। तो दोस्तों हमने वही रेशो, वो रेशो तो वही रहेगी, लेकिन हमने इसी हिसाब से ये सोच के ही पहले मैसेज करना है। और दोस्तों जब हमारे घर में कोई ब्याह शादी कोई प्रोग्राम होता है, हम 600 लोगों को 700 लोगों को बुला लेते हैं। मैं पंजाब की बात करता हूँ, आज पंजाब में अगर हम अच्छे होटल में लंच का प्रोग्राम करते हैं या कहीं पैलेस में करते हैं, 1200 से 1500 रुपये नॉर्मल थाली का रेट है, 2000 भी लग जाता है कई बार। अरे हम एक फैमिली को बुलाएंगे, 5 लोग आए, 6000 रुपये लग गया। हम उन लोगों को बुलाते हैं जो हमारे कहने से 300-400 रुपये का पटक नहीं यूज कर सकते, क्या करोगे उनसे रिश्ता रखकर? अगर वो लोग हमारे कहने से कोई प्रोडक्ट यूज करके नहीं देख सकते, अच्छी हमें फीडबैक नहीं दे सकते, नहीं अच्छा लगा बिल्कुल मत करो, ना यूज करो, लेकिन एक बार तो यूज करो। जो लोग आपके कहने से यूज नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते, पूरा मत मानना, उनको शादी ब्याह में मत बुलाना, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम समाज के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद करने के लगे हुए हैं। तो दोस्तों अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छी पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ में रहिए, आप डेफिनेटली एक दिन अचीवमेंट ले लेंगे दोस्तों। तो जो सपने की बात कर रहा था मैं, जब सपने की बात होती है तो बस हमें तो ऐसा लगता है दिन रात एक कर दें, और क्या करें, अब समाज ऐसा है रात को सो जाते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ अगर रात को लोग ना सोए, मैं तो दिन में भी और रात में भी मीटिंग प्लान, इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा सिस्टम है। मैंने बहुत सारी 2-4 कंपनियों में मुझे काम करने का मौका मिला, अरे कंपेयर करके देखो, इतना पाक साफ सिस्टम हमारे हाथ लगा है सिस्टम। लोग दूसरी कंपनी का नाम लेते हैं, तीसरी का लेते हैं, मैं कहता हूँ सब बढ़िया है, लेकिन एक बार कंपेयर करके तो देखो, इतना इजी प्लान। मैं तो थैंक्स करता हूँ डॉक्टर लिम जी का, जिन्होंने हर एक अंगूठा छाप, एक बिल्कुल जो बंदे के पास आज कुछ नहीं है वो बंदा इस कंपनी में आके क्राउन एंबेसडर हीरो बन सकता है, पूरे संसार में अपनी पहचान बना सकता है, इतना सिंपल प्लान है दोस्तों, ऐसा प्लान कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने और प्लान नहीं देखे, कहीं बुलेटिन में मत रहना, हमारे से बढ़िया किसी के पास
अभी कुछ नहीं है, कल को कोई नया कुछ बना दे मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक की मैं गारंटी देता हूँ कोई हमारे से बढ़िया किसी के पास कुछ नहीं है। अगर इसको लेके प्लान को प्रोडक्ट को लेकर अगर हम निकल गए तो दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं 5-7 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद मुड़ दोबारा हम देखते हैं ये लोग काम करेंगे, वो देख रहे हैं अपलाइन काम करेगी, हम देख रहे हैं ये काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। हमें हर महीने 5-10 लोगों को ज्वाइन करवाना ही है, ज्वाइन करवाना ही है। अगर हम करवाते रहेंगे नए नए लोगों को सिस्टम में लेकर आएंगे तभी हम अचीवमेंट ले पाएंगे दोस्तों। और सपना एक क्या होता है, मन में सोच रखा है जी क्या लेना है, मर्सिडीज लेनी है, कहाँ लिखा हुआ, कहीं नहीं, ड्रीम नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, अपनी टीम की कोई काउंटिंग नहीं, पता ही नहीं कितने लोग हैं, 15 तारीख को पूछो कितने बीवी हो गए, अच्छा देख के बताऊंगा भैया, फिर देखते ही रह जाओगे। 15 तारीख को आपको पता नहीं है, 1 तारीख को बीवी नहीं पता, 1 को बीवी देखो, 2 को देखो, हर रोज अपने सिस्टम में लॉगिन होना चाहिए। और हर रोज जिस दिन पीवी अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, जिस दिन आपकी टीम में पीवी नहीं बढ़े हैं, आप समझ लीजिए वो दिन आपने जिंदगी का खत्म कर दिया। लिमिटेड दिन है हमारे पास, बहुत ज्यादा दिन नहीं है जिंदगी के, थोड़े से दिन है दोस्त। 70 साल तक, 80 साल तक, 90 साल तक काम करोगे क्या? प्रोफेसर साहब जी तो जवान है 70 साल के, हम कैसे जवान रहेंगे? तो उसको देखो, वो तो यंग है, वो तो करते हैं, कर रहे हैं, और हमें शर्माने चाहिए उनको देख के। मैं तो उनको देख के इतना मोटिवेट हुआ, 24 घंटे लग रहे हैं, बता ही रहे हैं लोगों को, अरे हम घर में सो रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब जो आपने काम 60, 70, 80 साल की एज में करना है उसको जल्दी 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 निपटा दो, संडे सैटरडे सब खत्म कर दो। अगर आप संडे सैटरडे के चक्कर में रहोगे तो बस फिर सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा दोस्तों। लगातार रेगुलर काम करके अपना कोरोना एम्बेसडर करके 20 लोगों को कोरोना एम्बेसडर करवाइए और उसके बाद जिंदगी के मजे लीजिए। इतना सा काम है, ये काम को पता कितना टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 7-8 साल लगेंगे। 4 साल में कोरोना एम्बेसडर हो रहा हूँ, 7 साल में 20 कोरोना एम्बेसडर हो जाएंगे जब 7 साल मुझे हो जाएंगे, यानी कि आने वाले 3 साल में 20 कोरोना एम्बेसडर आ जाएंगे डीएक्सएन कंपनी में। आप सोचो तो सही, काम हो सकता है, हम करना ही नहीं चाहते, एक दूसरे को देख के बैठे हैं। और इतना बढ़िया प्रोडक्ट, अगर भगवान ने हमें अच्छी चीज दी है और ये मान लेना ये भगवान ने ड्यूटी हमारे लिए लगाई है, और अगर हम बहुत सारे लोगों के पास इसको नहीं पहुंचाते हमें इसका जवाब देना पड़ेगा भगवान को। ऐसी इतनी बढ़िया चीजें हैं, जिंदगी देने वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इसको घर घर पहुंचा के लोगों को घर में खुशियां लेकर आओ दोस्तों। कोई काम नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्थ तो अच्छी हर बंदे की नीड है, तंदुरुस्त तो हर एक होना चाहता है। 100 साल के बंदे को मरते मरते हॉस्पिटल जाकर पूछना किसी मरते मरते को, भैया 2-4 दिन और जीना है, बोलेगा बचा लो, जीने जी जी कर कोई नहीं रचता, हर बंदा कहता है बचा लो। तो हम कहते हैं चलो ठीक है उम्र हो गई है, ऐसा नहीं है, उम्र नहीं हुई, हम तो प्री मच्योर डेथ में जा रहे हैं, हम ऐसे ही मरते जा रहे हैं। इंडियन लोग, जब जर्मन जापान के लोग 100 साल जी सकते हैं, हमें हो गया। तो दोस्तों हम लोगों की जिम्मेवारी है इस प्रोडक्ट को उठाकर घर घर पहुंचा दीजिए और लोगों की बीमारियों का इलाज कीजिए, लोगों के हेल्थ को अच्छा कीजिए, बीमारियों का इलाज तो अपने आप हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लोग जिसके घर में 4 यंग लड़के रहते हैं उसके घर में चोर घुस जाएगा कभी? सोच कर देखो आप, जिसके घर में 4 यंग लड़के हैं उसके घर में चोर कैसे आ सकता है? अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर आप फिट हैं, तो आपके घर में बीमारी जैसा चोर कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे लोग अनफिट हैं तो बीमारी चोर बन के हमारे घर में आ जाती है, और हम देखते रहते हैं चोर आ गया, बीमारी आ गई, उसका इलाज करवाते हैं। अरे अपने आप को इतना फिट कर लो, इतना जवान कर लो, हमारे घर में चोर घुसने ना पाए, यही काम है। और सब लोगों को यंग कर दो, जवान कर दो, तंदुरुस्ती फैला दो। जब लोग तंदुरुस्त होंगे समाज की बहुत सारी खराब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने देखा होगा रोड पे चलते चलते लोग ऐसे लगता है जैसे जानबूझ के किसी को मार दिया हो, गाड़ियां मार देते हैं लोग, उनका दिमागी संतुलन खराब है। गैनोडर्मा खाने से जिसका बहुत दिमागी संतुलन खराब है उसको खिला के देखो, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है, बहुत ज्यादा गाड़ियां भगाने वाले लोग धीरे धीरे चलाने लगे, आराम से चलाने लगे, दूसरे की बात सुनने लगे। गैनोडर्मा मैं तो इतना रज रज के खिलाता हूँ लोगों को, और लोगों से इतनी अच्छी फीडबैक मिलती है जो मैं बता नहीं सकता आपको। इतना खुश होते हैं लोग, इतना फैमिली में फैमिली डिस्प्यूट लोगों के ठीक हो रहे हैं, इतनी हेल्थ चलने के साथ साथ लोगों का आपस में मेल मिलाप भी बढ़िया नहीं है। अगर हमने गैनोडर्मा लोगों तक घर घर पहुंचा दिया तो बस हमने समाज को, हमने ये कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट कर दिया। ये ऐसा काम है, इसको आप हल्का सा लेकर, हल्का सा लेकर अगर हमने इसको छोड़ दिया ना तो हम पापी हो जाएंगे दोस्तों। हम यहाँ पाप कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पुण्य कमाने के काम लगे हुए हैं। हमने लोगों के घर घर पहुंचाना है और सब लोगों के घर में तंदुरुस्ती, हर घर में तंदुरुस्ती पहुंचानी है। जब तंदुरुस्ती हो जाएगी अपने आप खुद काम करेंगे लोग और उनके घर में पैसा आएगा, पैसा भी कितना आएगा इतना वो सोच भी नहीं सकता।